तो कह सकते हम सब यू द लेजेंडरी प्रोटेक्टर में आज आप साथ शेयर करने लाइक नया वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम दोबारा खेलने जा रहे हैं शैडो फाइट 2। एंड आज की इस वीडियो का प्लान मेरा क्या है, क्या प्लान है आर्सेनल में चल लो एक बार। हाँ, आज की इस वीडियो का प्लान है कि मुझे हार्बिंगर क्यूरेस को अनलॉक करना है। हो भाई, ये बहुत ज़्यादा ओपी होने जा रहा है और बहुत ज़्यादा खतरनाक भी होने जा रहा है। मैं कन्फर्म नहीं हूँ मैं से इस वीडियो में अनलॉक कर भी पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि भाई दिस इज एक्चुअली टफ। हार्बिंगर क्यूरेस 1,15,00,000 का है ये, 1,15,00,000, समझ रहे हो तुम? मजाक नहीं है ये, मजाल है ये, मजाल। ओके, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको ऐसे ही गेमिंग और शैडो फाइट 2 के रिलेटेड कंटेंट में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बगल वाला बेल आइकन भी दबाइए ताकि मेरी जब भी कोई नई वीडियो तो तुम सबसे पहले देख पाओ। और इस वीडियो में बहुत बड़ा वाला थम्स अप करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। एंड लेट्स जंप इनटू आवर एक्चुअल वीडियो। चैलेंज हार्ड। चैलेंज क्या है, चैलेंज क्या है? योर एनिमी रीजनरेट्स हेल्थ विद इन शोन एरिया। अच्छा, लास्ट टाइम वो क्या कहते हैं, ब्लीडिंग वाला एरिया था, लेकिन इस बार रीजनरेशन वाला एरिया है। कोशिश हम यही करेंगे कि हम खड़े हों उस रीजनरेशन वाले एरिया के अंदर। कम ऑन शैडो, ओह हेल या बॉय, नाइस, जी जी। थोड़ा सा टफ था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। ओह शिट, नाइस, जी जी। ए चल स्क्विरल, तू तो नूबड़ी निकली, लॉल, नाइस भाई। ओके ओके, इनसेन। और वेपन लेवल 35। ओके 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 ओके, तो मुझे देखने दो। ओके, तो अभी एक काम करते हैं, चैलेंज लगा लो। ट्राइडेंट इतना बहुत खास काम नहीं कर रही थी। चांसेस हैं कि हम ये हार जाएंगे, चांसेस हैं, थोड़े से चांसेस हैं, इसलिए हार्बिंगर क्यूरेस को अनलॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्हाट, लॉल, नाइस। बस एक और राउंड, एक और राउंड, और ये भी गया। लॉल, ओह शिट, ले बेटा, नाइस, जीत गए, जी जी, यू विन
ओके, श्रिंक्ड फाइट लोकेशन इम्पॉसिबल इनसेन। ओके, तो इसका मतलब तुम समझ रहे हो, इट्स सर्वाइवल टाइम। तो सबसे पहले हार्बिंगर क्वेरस हमें अनलॉक करना होगा, ये हमारा पहला मोटिव होना चाहिए। राउंड वन, ब्रिंग इट ऑन सर। इस बार मेरे पास ट्राइडेंट है तो आप मेरे सामने टिकने वाले नहीं हो। क्या कैसे? नाइस सर, राउंड वन में इतनी हेल्थ खत्म कैसे कर दी, तो रूल्स के बिल्कुल खिलाफ है सर। आप कानून को अपने हाथ में ले रहे हो। बेटा पिट जाओ तुम, राउंड टू में इतनी हेल्थ खत्म हुई है, गजब बेइज्जती है। गॉड डैम इट, ओ शिट, नाइस जी जी। अगर मुझे हल्का सा भी पता चल जाए वेपन को कैसे अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो भाई हम तो प्रो बन जाएंगे इस वेपन के साथ। लॉल, नाइस। लॉल लॉल, सही में नाइस सर, आप इतनी बुरी तरीके से बेइज्जती नहीं कर सकते मेरी, ये बिल्कुल रूल्स के खिलाफ है। एंड यस, अब से तुम्हें मेरी वीडियोस में शाउट आउट्स भी देखने को मिला करेंगे, लेकिन ना वीडियो की शुरुआत में ना वीडियो की एंड में तुम्हें शाउट आउट्स देखने को मिलेंगे, वीडियो के मिड में। नहीं सर, आप भूलिए मत आप किसके सामने खतरनाक बन रहे हो, आप TLP द लेजेंड के सामने खतरनाक बन रहे हो। ओह गॉड, ओह शिट, नाइस, ग्रेट जी जी। राउंड एट, ब्रिंग इट ऑन। ओ शिट यार, मैं टक्करने की सोच रहा था, शिट। ओके, एक और रीट्राई मार लो। कम ऑन गाइस, 3 और रीट्राइस। अरे वाह भाई, मैंने तो शायरी बना दी। कम ऑन गाइस, 3 और रिट्राइज। भाई तुझे भाई, तुझे मेरी शायरी पसंद नहीं आई क्या? हाँ ओके, ब्रिंग इट ऑन मैन।
व्हाट ए चल तू बनेगी खतरनाक। नाइस, एक चोक स्लैम क्या दे दिया मैडम जी, खुद को खतरनाक समझ रही है। ए लॉल, ओ गॉड, नहीं कोई भी चलेगी। क्या मैं राउंड शुरू होने से पहले कुछ कह रहा था? मुझे बिल्कुल नहीं लगता मैं राउंड शुरू होने से पहले कुछ कह रहा था। लॉल सर, इसे कहते हैं नहले पे दहला। भाई ये ट्राइडेंट तो बहुत ओपी है, वेलर के भी अलग ही मजे थे। मतलब नो, नाइस, जी जीत गए राउंड 6 और हेल्थ अभी भी काफी सही सलामत। लॉल नहीं, ओह शिट, लॉल सर लॉल, आपको पता था मैं मारने वाला हूँ फिर भी आपने डक नहीं किया। भाई आपसे बड़ा बेवकूफ और कोई हो ही नहीं सकता। ब्रिंग इट ऑन नॉर्दर्न हैमर्स वाले। ओ शेट यार, उसने वो तो वाटर बॉल मार दिया वरना मैं बिल्कुल जीत सकता था। जीव लूज। ओके स्टोर चल लो, कितने हो गए। ओके 61 लाख। ओके बहुत दूर नहीं है, नहीं मजाक कर रहा था, काफी दूर है। इंसेन नहीं, जे ग्राइंडिंग करने से तो डिफ़िकल्टी लेवल्स पर कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। मैं भी क्या बकलोली कर रहा हूँ, क्या फ़र्क पड़ेगा डिफ़िकल्टी लेवल्स पर? कुछ भी। TLP दिमाग कहाँ है तेरा? ओके नाइस, परफेक्ट। ट्राइडेंट भाई काफ़ी ओपी वेपन है, मतलब ऐसे त्रिशूल वाली फीलिंग आ रही है। या भाई त्रिशूल है मेरे पास। नाइस परफेक्ट भाई, ये तो ओपी वेपन है, मतलब सही में यार इस वेपन को यूज करने में क्या अलग ही लेवल के मजे आ रहे हैं। परफेक्ट भाई परफेक्ट, 3-3 राउंड परफेक्ट गए हैं, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। क्या सही वेपन है कसम से भाई, मुझे से प्यार हो गया। आई एम इन लव विद दिस वेपन बॉयज। परफेक्ट, आई एम इन लव विद दिस वेपन। ट्राइडेंट भाई अब तो मेरे फेवरेट वेपन्स की लिस्ट में जुड़ गए हो, कंग्रेचुलेशंस। ओह शिट,
नाइस भाई, बेइज्जती हो गई है तो। लाइटनिंग एरो ने काम तमाम कर दिया। भाई किधर शैडो? नाइस है लॉल। राउंड 7, ब्रिंग इट ऑन सर। ओ शिट। नाइस सर। सर 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 भाई 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 जूलू रिट्राई। 61 लैक्स थे, अब 72 लैक्स हो गए होंगे। यस, बस ऐसे ही 3-4 सर्वाइवल और खेलने पड़ेंगे, फिर हो जाएंगे। बहुत आसान काम लगता होगा ग्राइंडिंग करना। सही में भाई रूल्स तो पढ़ ले। राउंड 1 में इतनी हेल्थ खत्म नहीं कर सकते बेटा, केस ठोक दूंगा तेरे अंदर, पूरे परिवार अंदर चला जाएगा तेरे। नहीं सर, नहीं सर। परफेक्ट सर, आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते। जब कानून है कि राउंड 1 और 2 में कोई प्लेयर की इतनी हेल्थ खत्म नहीं कर सकता। ओ शिट। नाइस। प्लीज मत कहना कि मुझे अब तुम्हें शैडो फाइट का संविधान भी पढ़ाना पड़ेगा, समझे बेटा? केस लगा दूंगा तुम्हारे अंदर इस एक्ट के तहत, इन्होंने मेरी राउंड 1 और 2 में इतनी हेल्थ खत्म करी, जो कि सरासर नाइंसाफी है। राउंड 1 और 2 में इतनी हेल्थ खत्म नहीं कर सकते बेटा, केस ठोकूंगा तुम्हारे अंदर। ये मत सोचना मैं लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकता बेटा, कर सकता हूँ। हाँ नाइस बेटा, लाती लात बरसाऊंगा मैं, अब बताओ तुम क्या कर लोगे। राउंड 6, ब्रिंग इट ऑन सर। क्या कैसे कैसे सर? नहीं सर, नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो आप। क्या क्या करने के लिए था? अब मेरी बारी। या लॉल। कर्मा सर,
कर्मा सर कर्मा, हैशटैग कर्मा ओपी। एंड ये रहे इस वीडियो के शाउट आउट। देख लो तुम अपनी स्क्रीन पर। ओह शिट, ओह शिट, नहीं, ओह शिट, बहुत सही, शाबाश। यू लूज। ओके स्टोर चल लो, स्टोर चल लो सीधा। 86 लैक्स, हाँ 86 लैक्स। ओके भाई, ओके हाँ ओके। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी एनर्जी रिफिल करके आता हूँ। 2000 years later। ओके तो मैं यहाँ पे एनर्जी रिफिल करके आ चुका हूँ। 86 लैक्स हैं, यानी कि 14 लाख हैं 1 करोड़ उनमें, फिर 14 और 15 तो पूरे 29 लाख चाहिए। हाँ 3 सर्वाइवल और लगाने पड़ेंगे फिर तो भाई, तब जाके अनलॉक होगा। लेट्स डू दिस बॉयज, अगर तुम 3 सर्वाइवल चाहते हो तो मंजूर है। ओके बाय, एंड वेट कर लो, एंड में तुम इसका परचेज बिल्ड जब पूरा हो जाएगा उसके बाद मैं तुम्हें मिलता हूँ। A few moments later. Okay, तो यहाँ पे हार्बिंगर क्वेरेस बनकर हो चुका है रेडी। अब मैं सबके डिफिकल्टीज लेवल चेक करना चाहता हूँ। हार्ड हार्ड, ओके लेट्स डू दिस। फाइट लोकेशन बॉर्डर्स आर क्लोजर टू ईच अदर देन फाइट लोकेशन बॉर्डर्स, मतलब अच्छा वो हमें छोटा मैप मिलेगा। ओके ओके ओके, नाइस। ये थोड़ा सा टफ है, ये थोड़ा सा टफ है, ये थोड़ा सा टफ है। अब मेरी बारी। नाइस, जी जी जीत गए। यू विन, यस। ओके लेट्स गो। ओके 20 लाख, यू लूज इफ यू फॉल एनिमी रिटर्न्स डैमेज। ओ भाई, यू लूज इफ यू फॉल, भाई बहुत ज्यादा इरिटेट करने वाला राउंड है। कुछ भी अपग्रेड नहीं कर सकते। पहला अपग्रेड है 23 लाख पे, फिर 28 लाख। ओके तो फिर टूर्नामेंट लगा लो एक थीफ। ये इस वीडियो का एक लास्ट टूर्नामेंट, एंड देन मैं वीडियो ख़त्म करूँगा। उम्मीद है कि जीत जाऊँ। What? सही में, सही में।
ले बेटा। सही में नाइस भाई, बढ़िया बेटा। मैंने तेरे साथ अभी थोड़ी देर पहले एक राउंड किया था, ज्यादा खुद को तुर्रम खा मत समझ, ठीक है ना? ले बेटा। ले बेटा। परफेक्ट, एग्रेसिव पे हराया, क्या बात भाई। इसके लिए तो वीडियो पे लाइक ठोकना ही पड़ेगा। ओके लेट्स गो। ओके आर्मरी में चलते हैं, इसे एक अपग्रेड लगा दो जी। ओके तुम्हें इसका एक अपग्रेड कंप्लीट होने के बाद मिलता हूँ। मच लेटर। ओके 46 लैक्स, मतलब अब अगला अपग्रेड होगा ट्राइडेंट का। हाँ ओके हार्ड इनसेन लगा लें क्या? चलो लगा कर देख लेते हैं। एंड योर एनिमी हो जाता है तो ठीक है, वरना फिर ओ शिट नोमैड तू भाई इस वाले चैलेंज के लिए इतना खतरनाक बंदा क्यों चुना तुमने? नोमैड भाई मेरी इससे बिल्कुल नहीं जमती है। नाइस भाई ग्रेट, ऑलमोस्ट खत्म था भाई, बहुत टफ बंदा है। ओह शिट भाई तुम सही में मजाक कर रहे हो। भाई शेट। ओके 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 जी एक्चुअल में टफ है। हाँ ओके ओके आई सो आज की वीडियो होप श्योर तुम लोगों को पसंद है। अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बगल वाला बेल आइकन दबाओ ताकि मेरी जब भी कोई नई वीडियो तुम सबसे पहले देख पाओ। इस वीडियो पे बहुत बड़ा वाला थम्स करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और मैं तुम लोगों से मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।